हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ एक्सप्लेन पर आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं ये वीडियो लेके आऊँ आज। सो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पहले से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। अगर स्किप किया तो दोस्तों आप लोग का थोड़ा सा भी गलती होने से आप लोग का डेस्कटॉप कंप्यूटर असेंबल नहीं होगा। ऐसे करने से दोस्तों आप लोग का कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को पहले से एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे नया सीपीयू फैन है। जब नया खरीदते हैं इसमें पेस्ट लगा हुआ रहती है, हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीपीयू फैन को मदरबोर्ड के ऊपर लगा लेंगे और चारों लॉकों को सही से बैठा के लगा लेंगे। इसका लगा देंगे। अभी हम मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर अच्छी तरीके से बैठा लेंगे। बोर्ड के चारों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। रैम को लगाएंगे। एसएमपीएस हो गया, नया एसएमपीएस, इसको बैठा दिया और चारों स्क्रू को लगा दिया। ये मदरबोर्ड की मेन पावर कनेक्टर है, इसको लॉक वाइज लगा देंगे। डिस्प्ले की पावर कनेक्टर है। हार्ड डिस्क की पावर सप्लाई कनेक्टर इसका लगा देंगे। अभी सीपीयू ऑन की कनेक्टर लगाएंगे, उसके बाद रीसेट की और उसके बाद पावर एलईडी और हार्ड डिस्क एलईडी की। ये USB कनेक्टर है, इसको लगाएंगे। USB कनेक्टर पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इसके बाद ऑडियो कनेक्टर है, ऑडियो कनेक्टर में लगा देंगे। Thank you.
डाटा केबल को लगाएंगे बोर्ड पे। ये हमारे नया कीबोर्ड है। को कनेक्ट करेंगे सीपीयू में। ये हमारा माउस हो गया, माउस को कनेक्ट करेंगे। वीजीए केबल और पावर केबल लग गए। वीपीएस को ऑन करते हैं। अभी सीपीयू को ऑन करते हैं। ये हमारा मॉनिटर ऑन हो चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे विंडोज के लोग आ चुके हैं। तो हमारे कंप्यूटर अच्छी तरीके से ऑन हो चुके हैं। कैसा लगा फ्रेंड्स हमारे वीडियो असेंबल की? अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।